हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपको भी फ्लिपकार्ट पे आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि हम फ्लिपकार्ट पे आउट ऑफ स्टॉक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पे अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आप अपने फोन में फ्लिपकार्ट को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कई बार हमारा आउट ऑफ स्टॉक दिखाता है, तो वो क्यों दिखाता है और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वही हम देखने वाले हैं। सबसे पहले चलिए यहाँ पे मैं आपको कोई एक प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करके आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से हमारा जो है प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे मैं जैसे ये एक फ़ोन में सर्च करता हूँ, आप कुछ भी अपना जो भी आपको लेना होगा वही आप सर्च कीजिएगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा करेंटली आउट ऑफ स्टॉक और यहाँ पे ये इस तरह से हमारा पिन कोड दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वही हम देखने वाले हैं। देखिए ये जो प्रोडक्ट है, अब क्योंकि यहाँ पे एक चेंज का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये जो प्रोडक्ट है वो इस पिन कोड के लिए आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब कि वो अवेलेबल नहीं है इस पिन कोड पे, इसलिए यहाँ पे ये इस तरह से दिखा रहा है। अब जैसे यहाँ पे मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं दूसरा कोई पिन कोड डालता हूँ, जैसे मैं 842202 यहाँ पे मैं अगर ये डालता हूँ तो ये आसानी से मेरा पिन कोड जो है वो ले लेता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये पिन कोड हमारा ले लिया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए जब यहाँ पे हम अपना पिन कोड डालते हैं, ये प्रॉब्लम जो है वो रूरल एरिया में ज़्यादातर होता है, जो आपका ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ पे ज़्यादातर होता है, क्योंकि कई बार बहुत सारे ऐसे सेलर हैं जो ये पिन कोड है इस पर ग्रामीण क्षेत्र के जो पिन कोड होते हैं वहाँ पे डिलीवर नहीं करते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे अगर आप पिन कोड डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पे वापस आपको डाल के बताता हूँ 844127, उसके बाद यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखेगा। देख सकते हैं नो सेलर शिप टू दिस पिन कोड। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है जो मैं फ़ोन सेलेक्ट किया हूँ वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो वहाँ पे इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमारा जो पिन कोड है वहाँ पे वो डिलीवर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे जो उनके जो कुरियर होता है वो वहाँ पे शिप नहीं होता है, वहाँ पे डिलीवर नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे वो ये जो पिन कोड है ये इसलिए यहाँ पे इस तरह से दिखा है। तो आपको करना क्या है, आप जहाँ भी रहते हैं, जो भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या फिर जहाँ भी आप रहते हैं, उससे जो सबसे नज़दीकी आपका जो होम टाउन होगा, जो सबसे नज़दीक का होम टाउन होगा वहाँ का आपको पिन कोड डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे मेरे नज़दीक का है वो मैं यहाँ पे डालता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो है पिन कोड ले लेता है। देख सकते हैं सबसे नज़दीक होम टाउन का मैंने पिन कोड डाला तो यहाँ पे ये ले लिया है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑर्डर हो जाएगा और वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेलर जो है वो डिलीवर करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने पिन कोड डाल दिया है। अब आप कहेंगे कि मेरा तो होम टाउन है, वहाँ पे मैं प्रोडक्ट लाने कैसे जाऊँगा? तो आपको देखिए करना कुछ नहीं है, आपको पिन कोड सिर्फ चेंज करके अपने जो सिटी है उसका डाल देना है, और उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो आप अपना ही रख सकते हैं। अगर आपके एरिया में फ्लिपकार्ट का जो कुरियर बॉय होता है वो अगर आता है तो आपका प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा, अगर नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, आपका ऑर्डर कैंसिल होकर वापस रिटर्न हो जाता है। तो इस तरह से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके होम टाउन, आपका जो सबसे नज़दीकी होम टाउन है उसका भी पिन कोड नहीं ले रहा है तो आपको अपने मेन सिटी का पिन कोड डालना है। जैसे मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूँ तो मैं अपने यहाँ पे मुजफ्फरपुर का पिन कोड लगाया हूँ, इसलिए यहाँ पे ये ले लिया है। तो इस तरह से आप इसे चेंज कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको बाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आप परचेज कर सकेंगे। तो यही प्रोसेस होता है और इसी तरह से आप जो हैं अपने पिन कोड को चेंज करके वहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।